नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। भूमि पर कब्जा करने को लेकर भाजपा नेता सहित आधा दर्जन के खिलाफ दी तहरीर। पूर्व सैनिक ने थाना अध्यक्ष व दरोगा को भी लपेटा। पूर्व सैनिक ने भाजपा नेता रमेश राजपूत पर लगाया भूमि कब्जे का आरोप। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। राजेपुर, पूर्व सैनिक की भूमि पर कब्जा करने के मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष दरोगा व भाजपा नेता सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। और ये खबर है हमारे संवाददाता कुलदीप बाथम की। शहर कोतवाली के पांचाल घाट निवासी पूर्व सैनिक श्रीपाल सिंह का थाना राजेपुर के ग्राम चाचूपुर में खेत है। पूर्व सैनिक ने उसके खेत पर भाजपा नेता रमेश राजपूत द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया, जिसमें थाना पुलिस और चकबंदी विभाग व राजस्व विभाग के कर्मियों को भी संलिप्त बताया। पूर्व सैनिक ने थाने में तहरीर दी, जिसमें लिखा है कि इससे पहले भी शिकायत की गई थी, परंतु तत्कालीन दरोगा संजय यादव ने उसमें फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण दर्शा दिया। लिहाजा पूर्व सैनिक ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष जयंती प्रसाद गंगवार, दरोगा संजय यादव, भाजपा नेता रमेश राजपूत, लेखपाल प्रदीप कुमार, कानून गो सुरेश चंद्र, सहायक चकबंदी अधिकारी नरेश चंद्र कन्हैया के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष ने देवेश कुमार ने यूपी 76 न्यूज संवाददाता को बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।